पहुंची एक और बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार की तैयारी। हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार की तैयारी चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस की अहम मीटिंग अभी भी जारी है, लगातार ये बैठक चल रही है, बहुत लंबी बातचीत हो रही है। प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार की तैयारी पुरजोर है। प्रदेश कांग्रेस संगठन विस्तार करने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में कांग्रेस की अहम मीटिंग चल रही है। राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा पटेल, काफी लंबी मीटिंग हो गई है कांग्रेस की संगठन विस्तार को लेकर। वाकई में अनामिका, मैं बता दूं कि काफी दिन से कहीं ना कहीं जिस तरीके से चर्चा में थे और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही थी। हरियाणा प्रदेश कमेटी की बात करें कांग्रेस की, तो साफ तौर पर कांग्रेस में काफी ज्यादा उदासी देखी जा रही थी। पर जिस तरीके से ये मीटिंग चल रही है, मैं आपको बता दूं कि 11 बजे ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी। कहीं ना कहीं जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो इस मीटिंग को ले रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, मैं आपको बता दूं कि जो अंदर से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अंदर से जो जानकारी आ रही है कि 1-to-1 एक एक कार्यकर्ता से 1-to-1 बातचीत की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है संगठन को लेकर, वाकई में जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं हैरान है कि एक एक कार्यकर्ता को आधे से पौन घंटे का टाइम दिया जा रहा है। सुबह से मीटिंग स्टार्ट है, अभी उम्मीद यही लगा जा रही है कि शाम के 7-8 बज सकते हैं इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि विवेक बंसल जो है प्रभारी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं कांग्रेस टटोलने की कोशिश कर रही है कि हमारे जो कार्यकर्ता है दिल से जुड़े हुए हैं, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस में संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं मौका दिया जाए, उसी कड़ी में इस मीटिंग को जोड़कर देखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं अनामिका की काफी लंबा समय और काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं की यहाँ पर भीड़ साफ तौर पर देखी जा रही है। जो पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए गए थे, और कहीं ना कहीं 11 जो टीम है वो कहीं ना कहीं पैनल में कहीं ना कहीं आज नाम दे सकती है। देर शाम तक कहीं ना कहीं नाम जो है पैनल में बनाकर दिए जा सकते हैं। उसके बाद से जो उम्मीद लगाई जा रही है 4 से 5 दिन में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो संगठन का विस्तार कहीं ना कहीं होता हुआ दिखेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग है कल भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से जारी रहेगी। जी, गुटबाजी को लेकर कांग्रेस के संगठन का विस्तार अगर हम कहें तो आज तक नहीं नजर आया। अब जो संगठन विस्तार को लेकर यह कोशिश है प्रदेश कांग्रेस की, इसमें गुटबाजी कहीं नहीं होगी या गुटबाजी का असर नहीं होगा, इस बात को लेकर क्या वाकई कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस आश्वस्त है? सुबह मॉर्निंग में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी शैलजा, ऑफ कैमरा जरूर बात हुई है। साफ तौर पर यही हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरीके से काफी लंबे समय से गुटबाजी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रही थी, पगड़ी का खेल कहीं ना कहीं देखने को हरियाणा में मिलता था, तो साफ तौर पर उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड यही कहा कि अब ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता है, जो हमने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है, जो पर्यवेक्षक जो नियुक्त किए थे, वो ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों को, कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं फीडबैक ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। ऐसी कोई भी बात निकल कर अब सामने नहीं आएगी। कांग्रेस बूथ लेवल पर की बात करें, ग्रामीण लेवल भी बात करें, कहीं ना कहीं आने वाले दिन में और ज्यादा मजबूत होगी। जी, अगर ऐसी बात है तो फिर पर्यवेक्षकों की ये नाराजगी क्यों? किसी को भी कार्यभार सौंपा जाए, ये पार्टी आला कमान पर डिपेंड होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए, ये केवल पार्टी के पटल पर होना चाहिए? और बिल्कुल अनामिका, इस बारे में भी कहीं ना कहीं हमने सवाल जवाब जरूर किया था, पर कुमारी शैलजा ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने यही कहा कि मीटिंग खत्म होने के बाद आपको ब्रीफिंग ढंग से हम बताएंगे कि क्या रहा मीटिंग में। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो पैनल बनाया जा रहा है, जो टीम कहीं ना कहीं जो काम कर रही है ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, अभी फाइनल मोहर यहाँ से नहीं लगेगी। यहाँ से लिस्ट बनेगी, पार्टी हाईकमान पर जाएगी, वहां से कहीं ना कहीं मोहर लगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं बूथ लेवल की बात करें, जिला लेवल की बात करें, ग्रामीण लेवल पर बात करें, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी, संगठन का विस्तार किया जाएगा। जी ठीक है राजा, ये अच्छी बात है कि प्रदेश कांग्रेस संगठन विस्तार को लेकर प्रयासरत है और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है, लेकिन गुटबाजी से दूर रखकर कैसे हरियाणा में कांग्रेस को विस्तार दिया जाएगा, संगठन का विस्तार होगा, ये एक बड़ी चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए।